Bismillah Rahman Rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most beneficent. Assalamu alaikum student. I am your teacher Madiha from Divisional Public School and Intermediate College Lahore. I hope you all are fine, safe, happy and healthy at your home. Students, we have completed syllabus of first term of science. In the first term syllabus, we have included four chapters: the human body, health and safety, plants and their parts, and uses of plants. Students, so far we have completed all these four chapters. As we have completed our first term syllabus, now we will start our revision lectures. Today we will do the revision of unit number 1, that is the human body. Students, you have learned that the human body varies in size and shape. We all human beings are different from each other. We are different in shape and size. Some of us are tall, some are short, but we all are having same body parts. Hum sabki do aankhein hain, sabke do kaan hain. सारे बॉडी पार्ट्स हम सबके सेम हैं और हमारा हर बॉडी पार्ट जो है इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर जॉब टू डू. हर बॉडी पार्ट का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. वी ऑल्सो स्टडीड दैट द बोन्स विच इज द हार्ड पार्ट इन द बॉडी, जो सख्त हिस्सा होता है, हार्ड पोर्शन जो है आपकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड द बोन. द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन. ऑल द बोन्स इन द बॉडी, ऑल द बोन्स इन द बॉडी, दे आर मेकिंग अ the skeleton in the body, and this skeleton help us in the movement. हमारी जिस तरह की भी movement है, जो हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते फिरते हैं, that is because of this skeleton. Okay, and total number of bones which are present in the body, we have 206 bones in our body. Means 206 bones are making up the skeleton in our body. You also know about the muscles and joints. अब muscles क्या होते हैं? The part, the soft part which is covering the bones is called the muscles, and the joints, the place where the two bones meet is called the joint. This muscle and joint both help the bones in the movement. The function of the skeleton to move the body is done with the help of muscles and joints. हमारी ये muscle और joints जो हैं वो bones को मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. सो होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर विच इज रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक. नाउ प्लीज ओपन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन 1 इज चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1 इज व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर बोन्स मीट. वो जगह जहां पे बोन्स मिलती हैं उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन ए इज ऑर्गन, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी ज्वाइंट एंड ऑप्शन डी इज लिंक. द राइट आंसर इज ज्वाइंट. वो जगह जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उसे ज्वाइंट कहते हैं. नंबर 2, विच ऑफ दीज इज द नेम ऑफ बोन्स इन द हेड. हेड रीजन में जो बोन्स होती हैं उसको क्या कहते हैं. ए ऑप्शन स्किल, बी इज स्कल, सी इज स्पाइन एंड डी इज ज्वाइंट. द राइट आंसर इज skull. Bones which are present in the head are called skull bones. Number 3 MCQ is not related with today's topic. जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उनके साथ रिलेटेड नहीं है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे. नाउ लुक एट MCQ नंबर 4. MCQ नंबर 4 इज विच इज द ऑड वन आउट. इनमें से कौन सा जो है वो मुख्तलिफ है. ए ऑप्शन इज हिप बोन विच इज अ बोन, रिब इज ऑल्सो ए बोन, सी ऑप्शन है जॉ बोन, ये भी बोन हो गई, और डी ऑप्शन इज ए स्किन विच इज नॉट ए बोन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्किन. एंड MCQ नंबर 5 इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड विद टूडेज टॉपिक. सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ज्वाइंट्स आर देयर इन दीज बॉडी पार्ट्स. इन बॉडी पार्ट्स में आपने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बताने हैं. मिडल फिंगर
मिडिल फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं. थंब, इन द थंब देयर आर 2 जॉइंट्स. 3 इज आर्म, आर्म में बाजू में 2 जॉइंट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच बोन प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. कौन सी बोन्स हैं, उन बोन्स के आपने नेम बताने हैं जो कि इन बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. नंबर 1 इज हार्ट एंड लंग्स, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स. नंबर 2 इज नर्व्स इन द स्पाइन, स्पाइन में जो नर्व्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइन. एंड नंबर 3 इज ब्रेन, ब्रेन को जो बोन प्रोटेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड द, दे आर कॉल्ड स्कल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाट इज स्केलेटन. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, स्केलेटन क्या होता है. आंसर इज द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप आवर स्केलेटन. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं वो हमारा स्केलेटन बनाती है. नंबर 2 इज व्हाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स. मसल्स एंड जॉइंट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है. आंसर इज मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव, क्योंकि ये हमें मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वुड हैपन टू द बॉडी इफ इट डिड नॉट हैव अ स्केलेटन. द आंसर इज वी कैन नॉट स्टैंड एंड देयर विल बी नो शेप ऑफ आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो सकते और हमारी बॉडी की कोई शेप भी नहीं होगी. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन, व्हाट इज स्केलेटन. द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप आवर स्केलेटन. नंबर 2, why do we need muscles and joints. Muscles and joints help the skeleton to move. Number 3, what would happen to the body if it did not have a skeleton. The answer is we cannot stand and there will be no shape of our body. Now you have to label the diagram on page 3. Page 3 pe jo diagram hai arm ki aapne se label karna hai. Number 1 pe hai हार्ट पार्ट विच इज द बोन. एट नंबर 2 मसल है, सॉफ्ट पार्ट है. और नंबर 3 पे 2 बोन्स मिल रही हैं, दिस इज इंडिकेटिंग अ जॉइंट. वो जगह जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं दैट इज कॉल्ड द जॉइंट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. होप इट इज क्लियर टू यू. दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस विच आर रिलेटेड टू टूडेज टॉपिक. Thank you so much. If you have any question, any problem, you can ask in the comment box. Inshallah, we will facilitate you. Allah Hafiz.